बोलते भी हैं और मैंने देखा भी है, ट्राउज़र उचक रहा होता है ना तो पैंचे वाली साइड से, बड़ा ही अजीब। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। और आज ये है कि थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो आज का हमारा व्लॉग है, एक सूट सीना है। ये हमारा सूट है आज का, ऑल ओवर प्रिंट है, टू पीस है सेम। चलो आज हम सूट सीते हैं, करते हैं स्टार्ट कटिंग, तो आपको कटिंग भी बताएंगे। अब सबसे पहले ये है कि हमने ट्राउज़र की लेंथ देखनी है, 35 इसकी लेंथ है, और जितनी भी लेंथ होगी उससे 5 इंच बढ़ा के आपने कटिंग करना है, ठीक है, क्योंकि 2 इंच ऊपर से नेफे पे फोल्ड हो जाएगा और नीचे से 3 इंच जितना भी आपको फोल्ड करना हो उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। और ये मैंने 40 इंच रखा है, 40 इंच की लेंथ है ट्राउज़र की। ये पूरी मैं लाइन लगा लूँगी किसी पेंसिल से या चौक से। जी ये मेन बात आप सुन लें, ये जो शुरू से मैंने ये चौक से निशान लगाया है, ये कॉर्नर लेके जाना है और नीचे से आपने 5 से 2 इंच का छोड़ के निशान लगाना है, मतलब पूरा तिरछा लेके जाना है आपने, जो साइड सिलाई होती है, ठीक है, ट्राउज़र की। तो अब मैं थाइस नापूँगी, थाइस है इसकी 14 तैयार है, तो 15.5 मैं रख लूँगी। मेरी जो बहनें हैं वो भी कहती रहती हैं कि बाजी आप हमें कुछ सिखाती नहीं हो, सिखा दें। अच्छा, इन्होंने खुद सर पे बैठना नहीं होता और अपने कपड़े ना मेरे मत्थे मार के और बस अपने कामों में लग जाती हैं। और ये थाइस मैंने रख ली थी 15.5 मैंने थाइस का निशान लगाया था, और ये 11 तैयार थी फ्रंट साइड का। ये जो कहते हैं इसको आसन कहते हैं इसको, हाँ आसन कहते हैं, ये था 11 तैयार, 13.5 मैंने रखा है। तो इस ट्राउज़र में ये 2 प्लेट्स हैं, हमने ये थोड़ा लूज सीना है बैगी स्टाइल में, वो यूँ कि 2 प्लेट्स हैं आगे ना, प्लेट बॉक्स प्लेट डली हुई है इसके ना, तो जितनी थाइज़ होंगी उतना ही हमने पैंचर रखना है, वो इसलिए कि 2 प्लेट्स हमें डालनी है। तो इस हिसाब से अब ये निशान लगा लेते हैं, जितना भी आपने रखना हो प्लेट्स डालनी है या नहीं डालनी, ठीक है, और ये निशान लगा लेते हैं। नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका ऊपर नीचे हो रहा है वो मैं काट लूँगी पैंचे से, ऐसे निशान लगा लें आप, बहुत बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपकी जो आसन है, और मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं तो भाई अपनी ज़बान में इसको आसन ही कहती हूँ, ठीक है। और हाँ, इसको आपने देखना है ये फ्रंट साइड है, फ्रंट आपने ऊपर से स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ऊपर आपने फ्रंट साइड स्ट्रेट रखना है, और नीचे से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट रही हूँ भाई, जो भी था ये देखें इसको इक्वल कर लेना है आपने, ये कट गया। और इसका मैं कह रही थी 2 इंच रख के आपने कटिंग करना है साइड से तिरछा और ऊपर कोने तक ले जाना है। मैं आपको अभी सब बताऊंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि आप कटिंग भी दिखाएं जो आप करती हैं कटिंग। इसको इस जो फ्रंट वाला कपड़ा है ना, ये 2 फैब्रिक उठा के इसको आगे कर लेना है आपने, 2 इंच आगे कर लेना है, ठीक है, 2 इंच आगे करके फिर कटिंग करनी है आपने। इसको मैं पूरा आगे कर रही हूँ ऐसे, ये बहुत अच्छा ट्राउज़र स्टिच होता है, बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी लोग बोलते भी हैं और मैंने देखा भी है, ट्राउज़र उचक रहा होता है ना तो पैंचे वाली साइड से, बड़ा ही अजीब लगता है। तो ये ख़ास करके जो कि मोटी ख़वातीन हैं उनके लिए ये बेस्ट कटिंग है, और इस तरह से ये स्टिच होगा, ये ऊपर आ जाएगा। आपने देखा है फ्रंट साइड ये है कि छोटा होता है आगे से, और बैक साइड चौड़ाई बड़ी होती है, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। कैंची बहुत बहुत ही बकवास थी, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से काटे हैं कपड़े, जो भी काटे हैं। ये फ्रंट साइड सिर्फ कटिंग कर रही हूँ, मैंने बैक को टच नहीं किया, ऊपर वाली साइड से मैंने बैक को टच नहीं किया, ये फ्रंट साइड कटिंग कर रही हूँ। ये गहराई में काटना है आपने, ये फ्रंट है, ये देखें
अभी मैं बैक कटिंग करूँगी। और बैक की कटिंग ऐसे करनी है, कॉर्नर आपने तिरछा लेके जाना है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ, और बढ़ा के 2 ही इंच इस शेप में कटिंग करनी है। तो ये सूट था मेरी छोटी सिस्टर का। मैं कराची से फैसलाबाद जब भी जाती हूँ तो ये अपने एक दो सूट संभाल के ज़रूर रखती हैं कि मैं तो बस बाजी से ही सिलवाऊँगी। पंखे बंद में ही सही कटिंग होती है। मैं तो अपने कपड़े भाई पंखा बंद करके ही कटिंग करती हूँ, भले मुझे पसीने आए कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये हमारी हो गई है फ्रंट साइड की कटिंग। इसको हम फोल्ड कर देंगे ट्राउज़र को। ये लंबाई ज़्यादा रखनी है बैक साइड की, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने अपने सिस्टर को भेजा है कि शर्ट आयरन करके लाओ, इस तरीके बगैर मैं नहीं कटिंग करूँगी। तो अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ आपने देख लेनी है, जितनी भी अपने हिसाब से आपने रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे ख्याल से 35 या 38 इसकी लेंथ होगी। तो ये कपड़ा फोल्ड करके हम लोगों ने इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रख लेना है, और ऊपर से हमने लेंथ नाप लेनी है कितनी लेंथ है। और इसके बाद सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे कितना है शोल्डर, ठीक है। जो व्लॉग है मेरा काफ़ी लंबा व्लॉग था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सिर्फ काम की चीज़ें ही मैं शेयर कर लूँ। तो इसमें मैंने कटिंग करना भी बताया हुआ था, तो मैंने सोचा सिर्फ कटिंग का पार्ट मैं आपसे शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग की काफ़ी सारी अपनी वीडियो मैंने कट कर दी। मैंने कहा आप लोग बस ये बेसिक चीज़ें देख लें ताकि आपके काम आ जाए। ये मेरी शर्ट का जो शोल्डर है ये 15 तैयार है, और ये कुर्ता है थोड़ा लूज में है, ठीक है। अगर 15 तैयार है तो आपने 16 रखना है, ठीक है, ताकि आधा आधा इंच इधर उधर से सिलाई में चला जाए शोल्डर से, ठीक है। तो आप रखेंगे 8, ठीक है, 8 रखेंगे तो वो 16 ही हो जाएगा ना खुल के, ठीक है। तो अब ये चेस्ट की कर लें, और वैसे मैंने अंडर आर्म्स जो है वो मैंने 8 रखा था, अंडर आर्म्स मैंने 8 रखा था। 8 रखे मैंने ये निशान लगाया, उसके बाद मैंने ये हिप पे निशान लगाया है, नीचे ये निशान लगा हुआ है बिल्कुल। इसकी कमर की आपने गुलाई नहीं देनी, बीच की फ़िटिंग नहीं देनी आपने इसकी बिल्कुल भी, कुर्ते में नहीं आती फ़िटिंग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आती है सिलाई की। और ये है कि इसको गुलाई से आपने कटिंग कर लेना पूरा। अब हम करते हैं कटिंग। ये देखें, कैंची ने मुझे बहुत ही तंग किया हुआ था, खट 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 आवाज़ आ रही थी, कपड़ा भी इसमें फंस रहा था, बड़ी मुश्किल से बस मैंने काट ही लिया। और आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मेरी मिल सकें। तो मैंने स्टिचिंग का पार्ट इसमें मैंने नहीं शो करवाया, मैंने नहीं दिखवाया वो, बस मैंने काफ़ी टाइम ही लग गया था मुझे सिलाई करते करते रहा, एक हफ्ते में मैंने सिया था, आना जाना इधर उधर लगा हुआ था। ज़ाहिर है अम्मी के घर गई हुई थी तो घूमना फिरना लगा होता, ये काम करने थोड़ी जाती हूँ, लेकिन फिर भी कर देती हूँ काम, दिल नहीं मानता कि चलो यार आई हूँ इतनी दूर से, इनके काम शाम कर दूँ थोड़े से। तो ये है कि बस ये मैंने शर्ट कटिंग कर ली थी। और जब कटिंग कर रहे होते हैं उसके साथ साथ ही निशान लगा लिया करें सब कुछ, चौक से भी और सीजर से भी, जो कट वगैरह लगाने होते लगा लिया करें, इससे ये होता है कि टाइम की बचत होती है आपकी। अच्छा, शुरू में पता है क्या होता था, मैं पहले कटिंग कर लेती थी, बाद में कट लगाने या फिर शर्ट नाप नाप के सीना, अबे भाई बाद में पता लगा मुझे ऐसे होता है ऐसे होता है। खैर फिर ये कि शर्ट का फ्रंट हम अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक अलग कर लेंगे। फ्रंट की अंडर आर्म्स की हम गहराई की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा उड़ रहा था तो मैंने ये फ़ौन रख लिया। ये देखें, ये ऐसे 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 75% जो होता है ना 100 में से, उतना रखना है, मतलब यार पौना पौना जिसको कहते हैं। ये देखें, और यहाँ से भी लाजमी कटिंग किया करें आप लोग फ्रंट की ऊपर से, यार आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, मैं वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को। इससे ये होता है, ये वाली कटिंग करने से जो मैं कर रही हूँ, इससे ये गला पीछे की तरफ नहीं जाता, फ्रंट पे ही रहता है, मतलब आगे की तरफ भी नहीं आता, और बड़ा अच्छा सेट रहता है, फिक्स रहता है आपके गले से। तो जनाब साहब, ये स्लीव्स भी मैंने कटिंग कर लिए थे, तो ये है कि सूट मेरा सिल चुका था 1 हफ्ते बाद। तो ये है, अब देखें फाइनल लुक।